लॉन्ग इलेक्ट्रिक मोटर बाइक। तनिष नगर नाम के गांव में एक ऑटो स्टैंड था। वहां पर बादल नाम के एक बूढ़े व्यक्ति का ऑटो और नानी नाम का एक युवक का ऑटो खड़े थे। बादल ईमानदार व्यक्ति था, पर नानी बहुत धोखेबाज था। बादल जब तब नानी से ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार लेता था, वो ब्याज सही समय पर भरता था। एक बार एक सवारी आया और भैया रेलवे स्टेशन चलोगे क्या लोगे? 120 रुपए लगेंगे, आ जाओ बैठो। क्या 120 रुपए? अरे यार 40 रुपए से ज्यादा तो कोई देगा नहीं। क्यों बड़े मियाँ तुम चलोगे? क्या लोगे? वो मैं 40 रुपए में ले जाऊंगा, पर वो कह के बोलने वाला था। ये पर वर क्या चक्कर है, क्यों परेशान हो रहे हो? चलो चलते हैं। अरे जाओगे कैसे, इस ऑटो स्टैंड में एक ऑटो के बाद ही दूसरा ऑटो चलेगा। इसका ऑटो मेरे ऑटो के पीछे है, मेरे जाने के बाद ही ये जा सकता है। जब तक मेरे पसंद का सवारी ना आ जाए और मैं यहाँ से ना जाऊँ, तब तक इसे यहीं खड़ा रहना होगा। क्यों 120 रुपए दोगे या पैदल चलोगे? तब उस सवारी को गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया। बादल का ऑटो जब तब रास्ते में ही खराब हो जाता था। वो बेचारा उसे धक्का लगाने के लिए बहुत परेशान होता था। एक बार एक मैकेनिक, अरे भैया बादल, अब तो ये ऑटो किसी काम का नहीं रहा, एकदम खटारा हो गया है। इसे तुम किसी कबाड़ी को बेच दो और कोई नया ऑटो खरीद लो। अब दुनिया में कोई भी मैकेनिक इसे ठीक नहीं कर सकता। एक दिन बादल की बेटी मालिनी शहर से घर आई। वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी। क्या हुआ पिताजी, सुना है तुम्हारा ऑटो खराब हो गया है, अब क्या करना चाहते हो? हाँ बेटे, पर नया ऑटो खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। घर को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है बेटे, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। पिताजी आप चिंता ना करो, मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा था, उस हिसाब से मैं आपके लिए लॉन्ग इलेक्ट्रिक मोटर बाइक बना कर देती हूँ। पहले आप इस ऑटो को बेच डालो, उस पैसों से हम वो बाइक तैयार करते हैं। यूं उस ऑटो को एक कबाड़ी को बेच डाला। उन पैसों से मालिनी एक लॉन्ग इलेक्ट्रिक मोटर बाइक तैयार करने लगी, यूट्यूब का वीडियो देखते देखते। ये देखकर बादल दंग रह गया। पिताजी ये लो, अब से यही आपका ऑटो है, सिर्फ इसका बैटरी चार्ज करे तो काफी है, 100 किलोमीटर का माइलेज देगा ये, और तो और पेट्रोल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस गाड़ी के बारे में कुछ खास बातें बताती हूँ, कहकर विस्तार में उनके बारे में बताने लगी। यूं बादल उस लॉन्ग इलेक्ट्रिक मोटरबाइक को लेकर ऑटो स्टैंड पहुँचा। उसे देखकर ऑटो स्टैंड में खड़े ऑटो वाले हैरान हो गए। ये क्या है, बड़ा अजीब है, कहाँ खरीदा, कितने में खरीदा? ये कहीं खरीदा नहीं है बेटे, ये मेरी बेटी मालिनी ने तैयार करके दिया है, इसे पेट्रोल की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये बैटरी से काम करता है, हम जैसों के लिए काफी लाभदायक है। तभी दो व्यक्ति वहां आए। क्यों बड़े मियाँ, रामापुर चौक चलोगे, क्या लोगे? मैं दुर्गा सिनी हॉल जाना चाहता हूँ, आओगे? भैया मैं रामापुर चौक नहीं आ सकता, आप इनके ऑटो में चले जाइए। आप दुर्गापुर सिनेमा हॉल जाना चाहते हैं ना, आइए मेरे ऑटो में बैठिए। ये सुनकर नानी, ये क्या है, ये पगला गया है क्या? अरे रामापुर चौक काफी दूर है ना, खूब पैसे भी मिलते, पर ये कहता है कि यहाँ पास वाले दुर्गा महल ही जाएगा, पता नहीं क्या चक्कर है, बुढ़ा सठिया गया है, यूं उसने सोचा। यूं बादल जाते जाते कुछ और सवारियों को भी बाइक में बिठा कर ले गया और उन्हें उतार कर उनसे पैसे ले लिया। यूं खूब पैसे कमाने लगा। ये देखकर नाना जल उठा। उसने फैसला किया कि किसी तरह उस मोटरसाइकिल को हड़पना होगा। एक दिन वो बादल से, देखो बादल, तुम्हें मेरे पैसे तुरंत लौटाने होंगे, वरना ये बाइक मुझे दे दो। पर ऐसा क्यों, मैं तो हर महीने ब्याज भरता हूँ, और यूं तुम अचानक सारा पैसा मांगोगे तो मैं कहाँ से लाऊंगा? वो सब मैं कुछ नहीं जानता, तुम चुपचाप अपनी बाइक मुझे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं समझ गया, तुम्हें पैसे नहीं ये बाइक चाहिए है ना, ठीक है ले लो, मैं एक और बाइक बनवा लूंगा, लेकिन याद रहे इस बाइक को चलाने के कुछ नियम हैं, मैं तुम्हें विस्तार में बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। अरे क्या नियम वियम है यार, बाइक तो बाइक है, उसे ठीक से चलाना होगा बस, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वो बाइक की चाबी दे दो। यूं नानी वो बाइक लेकर वहां से चला गया। अगले दिन बादल ने एक नया बाइक तैयार किया और उसे स्टैंड पर ले आया। तभी कुछ पुलिस वाले वहां आए। भैया चलो टू टाउन पुलिस स्टेशन चलना है। साहब माफ कीजिए, मेरी गाड़ी खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा साहब। सर ये ऐसा ही है, कुछ सवारियों को बिठाता है कुछ सवारियों को नहीं बिठाता, वो पगला है सर, आप आइए सर मैं आपको छोड़ दूंगा। यूं
सब उस बाइक में बैठकर जाने लगे। तेज जाते जाते एक जगह एक मोड़ पर बिल्कुल मुड़ नहीं पाई और जाकर सीधा दीवार से टकराई। तब सारे सवारी नीचे गिर गए। पुलिस वाले उठकर गुस्से से नानी को खूब मारकर वहां से चले गए। बाद में बादल वहां आया और क्यों भाई नानी, तुम्हारी भलाई के लिए कुछ कह रहा था पर तुम तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, अब देखो क्या हो गया। हे भगवान, बहुत मारा। हे बादल, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये मोड़ पर मुड़ नहीं सकती। अरे मुझे बताने कहाँ दिया, तुम तो कह रहे थे मैं सब जानता हूँ। इसीलिए मैं सिर्फ उन सवारियों को बिठाता हूँ जो सीधी सड़क पर जाने के लिए तैयार हूँ। जिन सड़कों पर मोड़ हो मैं उन सड़कों पर जाता नहीं, इसीलिए मना करता हूँ। पर तुम उन्हें छोड़ने टूटोन पुलिस स्टेशन जा रहे थे जहाँ पर काफी सारे मोड़ हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। बस नानी गश खाकर गिर गया।